पचपुरा डैम से निकली वमनपुरा गोंदोलीपुरा गांव की नहर हुई क्षतिग्रस्त। किसानों को नहीं मिल रहा खेतुई के लिए पानी। जिले के पोहरी तहसील अंतर्गत आने वाले वमनपुरा गोंदलीपुरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर नहर की सफाई और नहर को सही कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी वमनपुरा गोंदलीपुरा तहसील पोहरी के निवासी हैं। ग्राम पचपुरा डैम से गोंदलीपुरा और वमनपुरा तक निर्मित सिंचाई नहर निकली है, जिससे हम किसान कृषि के लिए पानी लेते हैं। लेकिन जो नहर दोनों गांव से निकली है, उस नहर में मिट्टी पत्थर पड़े हैं और नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से नहर की सफाई और उसे सही कराने की मांग की है, जिससे कि सभी किसान खेती के लिए पानी ले सके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रवि रावत है। रवि रावत, आप कहाँ से आए हो? हम आए गोंदोलीपुरा बवनपुरा से, पचीपुरा डैम से हमारी नहर है। क्या समस्या है? और समस्या जो कलेक्टर साहब के हैं और सिंचाई विभाग में आवेदन दे चुके, हमारी नहर क्षतिग्रस्त पड़ी है, हमने नहर बनवानी है और अब की सूखा से मर गए वैसे तो पानी से, और फसल नष्ट हो चुकी है। हमारा एक ही यही सहारा है नहर का, और नहर की सफाई जो करवाई गई वो घास पूरा काट के कर दी और हो गई सफाई। वही में डला है वो कचरा उसी में डला है, और अब नहर क्षतिग्रस्त है, मतलब फूटी डली है दो चार जगह से। तो कितने लोगों को नहीं मिल रहा आपको पानी? दुकान को नहीं मिल रहा, गोंदोलीपुरा और बवनपुरा को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा। और हम अगर कलेक्टर साहब ने हमारी जो दो तीन दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सभी किसानों किसान परेशान है। भूख हड़ताल पे कलेक्टर पे बैठेंगे, गांव में बैठेंगे, तहसील पे बैराड़ में, बैराड़ तहसील पे बैठेंगे हम भूख हड़ताल पे। अच्छा, ये सफाई करवाई थी तो कौन ने करवाई थी? ये सफाई करवाई इंजीनियर है कोई यादव साहब। कितने समय पहले? दो तीन दिन पहले। और घास कटवा दिया और हो गई सफाई, मिट्टी भर रही है वहाँ, उसमें मिट्टी भर रही है और नहर छोड़ी गई अभी दो दिन पहले तो वो मतलब फूट गई दो चार जगह से। हमको नहीं मिलेगा साफ पानी, नहीं मिलेगा। पहले पानी से फसल नष्ट हो गई, अब सूखे से? हाँ, सूखा पहले से पानी से बिल्कुल कुछ है ही नहीं साहब। पहले पानी से बर्बाद है, सूखे से बर्बाद, अब सूखे से बर्बाद है, पहले पानी से बर्बाद है, अब बच्चों को कैसे पालें, पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है, शादी विवाह करने कैसे शादी विवाह होंगे। हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है, हमारे मुखिया शिवराज जी जो किसान कृषि मंत्री, उनसे भी हमारा निवेदन है कि हम किसानों की ओर जरा ध्यान दें।